हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ESR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोगों कैरियर का पैकेज ऐसी है, इसका हमें कंप्लेन मिला है, चलता नहीं है इसका। हमने इसका जो है ब्रेकर वगैरह पावर वगैरह चेक किया है, लेकिन फिर भी ये स्टैंड बाई है, इसमें ऑन नहीं होता है। तो हम इसमें आप लोग को चेक करके बताने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं चल रहा है, इसका कंट्रोल का क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल्स में चेक करके बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल का है। पूरा एसी जो है हमारा स्टैंड बाई है, चालू नहीं हो रहा है। इसमें हमारा पावर है, हमने ब्रेकर वगैरह चेक किया है, वहाँ पर हमें पावर है, यहाँ पर हमने भी चेक किया है। तो हम नॉर्मल आप लोग को दिखा देते हैं, भी देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्टर कोई सा भी ऑन नहीं है, भी देख सकते हैं ये भी कोई सा नहीं। एग्जाम्पल हम लोग को चालू कर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लोअर का चालू हो गया, कंप्रेसर का भी हम यहाँ प्रेस करते हैं तो चालू हो जाता है, लेकिन ये हमारा ऑटो जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं वर्क कर रहा है। उसके लिए या तो हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ से हमें चेक करता रहता है। ये रेड वाला है, ये हमारा इंदर जो जाता है थर्मोस्टेट से रिटर्न आएगा तो कंप्रेसर ऑन होगा और रिटर्न इस पर पावर आएगा तो हमारा ब्लोअर को ऑन रहेगा। तो ब्लोअर हमारा ज़्यादातर ऑटो ही रहता है या मैनुअल ही रहता है, हमेशा चलते रहता है, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए भी अगर यहाँ पर पावर नहीं आ रहा है, यहाँ से और यहाँ पर हम चेक किया, शॉर्ट किए, कुछ पावर नहीं आ रहा है। यह जो एसी है नॉर्मल, हम जो है अगर यहाँ पर नीचे से हमें चेक करना है हमारा हनीवाल थर्मोस्टेट पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा जो देख सकते हैं ये रेड वायर और येलो वायर, इसको हम वापस भी इस तरह शॉर्ट करना है। देख सकते हैं इस तरह से हम वापस शॉर्ट करेंगे आपस में दोनों वायर, तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। या तो ये ब्लोअर का है, इसको हम आर वाई जो है यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो हमारे चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फेस आ रहा है, यही फेस वापस यहाँ से घूम करके आता है, दोनों में घूम करके आता है, ये कूलिंग के लिए और ये ब्लोअर के लिए। यहाँ से हमारा जो वापस घूम करके नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ही पावर हमें आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पावर आउट नहीं हो रहा है, तो हमें अभी ट्रांसफार्मर को चेक करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए हम वोल्टमीटर से चेक करते हैं यहाँ पर पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शो कर रहा है। अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर आउटपुट जो है शो नहीं कर रहा है, आउटपुट यहाँ पर अगर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर खराब है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर इनपुट चेक कर लेंगे, इनपुट पावर हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इनपुट हो रहा है, यहाँ पावर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर खराब है। अगर यहाँ पर आउट हो रहा है, इसका मतलब और भी आगे सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो अभी हम चेक करके आप लोगों को फाइनल बताते हैं, दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक बॉडी के साथ न्यूट्रल में लगाया और एक आर वाले पर लगाया, ये हमें पावर नहीं शो कर रहा है। उसके बाद उसी तरह से हमने यहाँ पर आउटपुट पर लगाया, अब देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमने आउटपुट पर यहाँ पर पावर लगाया है, आउटपुट पर हमने चेक किया तभी भी यहाँ पर पावर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट लगाया, तो ये ट्रांसफार्मर का इनपुट लगाया, यहाँ पर भी हमें पावर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर को हमें पावर नहीं मिल रहा है, फेस नहीं मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए ये हमारा जो पावर कहाँ से जाता है, ये हमारा ब्लैक वायर आता है, ये जो हमारा व्हाइट कलर का ये न्यूट्रल है जो यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है और ये ब्लैक कलर का आ रहा है, ये ब्लैक कलर का ये हमें आता है यहाँ पर फ्यूज पे, यहाँ पर फ्यूज से हमारा आउट होता है। ये देख सकते हैं ये दो फ्यूज है, यहाँ से हमारा ये आउट होता है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर शायद मैं आप लोग को एक हाथ से नहीं दिखा पा रहा हूँ चेक करके, लेकिन ये जो है हमने यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे जो आउट नहीं हो रहा है, यहाँ से पावर आउट नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ फ्यूज खोल करके चेक करना है ये फ्यूज उड़ा है क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज का ये कवर है, रेड कवर है, इसको हम इस तरह से घुमा करके यहाँ पे खोल लेना है। ये फ्यूज हमारा मेन जो है फ्यूज है, कंट्रोल का जो भी फ्यूज है, तो इसको हम खोलने के लिए चाहे और भी कोई मॉडल का आपका हो सकता रहेगा, नॉर्मल फ्यूज रहता है, इसको हम खोल करके चेक करेंगे, इसका कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे, ये चलता है कि नहीं है, क्या का है। ये देखते हैं कुछ ये मॉडल का है, KTK7 का मॉडल का है ये जो स्पेशल जो है फ्यूज है, इसका ओरिजिनल फ्यूज है। अगर मार्केट में हमें नहीं मिलता है तो इस तरह से हम सैंपल में 7A जो है हमारा 7 एम्पियर का है, तो इसको हम चेक करेंगे प्रॉपर। इसको यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको कंटिन्यूटी पर चेक कर लेते हैं, ये सही है कि नहीं है, तो हमें यहाँ से कुछ फॉल्ट मालूम चल जाएगा क्यों नहीं पावर ऑन हो रहा है, पास हो रहा है। यहाँ पे अभी चेक करते हैं, तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंटिन्यू चेक करने के लिए तो आपको मालूम रहेगा मीटर से या क्लैंप मीटर से कोई सा भी रहेगा उसको ओम्स पर रखते हैं या कंटिन्यूटी है जिसको हम चेक करते हैं मालूम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने चेक किया है लेकिन कंटिन्यूटी वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा है। इसको हम आपस में स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए हमारा कांटा तो खड़ा हो रहा है, इसका मतलब एक मीटर सही है लेकिन यहाँ पर हमने आपस में चेक किया तो कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका मतलब ये खराब है। उसके बाद और भी हम लोग को जैसे कवर में है तो यहाँ पर ओपन करके आप लोग कन्फर्म करा देते हैं दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत से लोग डाउट करेंगे नहीं चेक नहीं किया हटाया है इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं वापस हमने यहाँ पर लगाया देख सकते हैं कन्फर्म ये चलता नहीं है। तो इस तरह से तो आगे हम इसको सेम मॉडल का हम फ्यूज लेकर के आएंगे और इसको चेंज करके चालू करके दिखाएंगे। तो अभी हम आप लोग को बता देते हैं ये हमारा फ्यूज है, ये जो हमारा कंट्रोल का फ्यूज है ये फ्यूज गया क्यों, कार जाने का कारण क्या हो सकता रहेगा। या तो यहाँ से जो हमारा पावर है दो तीन जगह के लिए जा रहा है, यहाँ से पावर जो है हमारा ट्रांसफार्मर को लिए जाता है और यहाँ से पावर जो हमारा हीटर के लिए जाता है, दूसरा पावर यहाँ से ये कॉन्ट्रेक्टर के लिए जाता है। यहाँ से तीनों के लिए कॉन्ट्रेक्टर के लिए पावर जाता है, कंट्रोल वगैरह के लिए यहाँ से ही बन के आता है, यानी कि ये मेन जो है कंट्रोल का ही फ्यूज है। तो ये फ्यूज जाने का कारण क्या हो सकता रहेगा इसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं। या तो हम बताएं आप लोग को ये अगर ट्रांसफार्मर जला है खराब है शॉर्ट है ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो ये ट्रिप करेगा फ्यूज उड़ जाएगा शॉर्ट सर्किट, या कॉन्ट्रेक्टर वगैरह है इसमें से कोई कॉयल वगैरह शॉर्ट रहेगा खराब रहेगा तभी भी ज़्यादा एम्पियर हो जाएगा, या तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट है अंदर नीचे थर्मोस्टेट हनी वाला शॉर्ट सर्किट वगैरह रहेगा तो ये फ्यूज उड़ेगा। लेकिन ये वीडियो हमने चेक किया इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम जो है हमारा दूसरा है हीटर का प्रॉब्लम है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रेड वायर आ रहा है ये हमारा जाता है हीटर को, यहाँ से फ्यूज देख सकते हैं यहाँ से फ्यूज ये हमारा जाता है हीटर के लिए जाता है। कौन सा हीटर है, क्रैंक केस हीटर, कंप्रेसर का जो है हीटर आता है क्रैंक केस उसके लिए जाता है। जैसा कि ये देख सकते हैं ये हमारा सेमी सील्ड का कंप्रेसर है, पुराना मॉडल कंप्रेसर है। तो इसका हम आप लोग को देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या हो गया है। ये देख सकते हैं ये जो हमारा हीटर है, ये देख सकते हैं ये हमारा हीटर, ये हीटर का प्रॉब्लम हमने भी चेक किया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं स्पार्क हुआ है। ये जो हमारा बरसात और साथ के टाइम में आया, बरसात वगैरह टाइम हुआ है तो टाइम में पानी आया है, पानी आने की वजह से ये कॉन्ट्रेक्टर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। देख रहे हैं यहाँ से ये जो है शॉर्ट हुआ है जिससे बॉडी से स्पार्क हुआ है यहाँ पे और ये लोड ज़्यादा लिया और ये फ्यूज हमारा उड़ गया है जल गया है। इसमें प्रॉब्लम यही था हमारा फ्यूज जाने का प्रॉब्लम मेन कारण यही है। जो हीटर है या तो हम भी चेक कर लेंगे, हीटर हमारा ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो ये हमारा फ्यूज उड़ा है, या तो हीटर है या तो हमारे हमें कन्फर्म हो गया यहाँ से हीटर भी नहीं होगा, ये अभी यहाँ पे ये शॉर्ट हुआ है। तो हम इसको फ्यूज वगैरह चालू करके आप लोग को रेडी करके चालू करके दिखाते हैं तो हम कन्फर्म आप लोग को बता देते हैं और भी इसका भी हमारा शॉर्ट यहाँ से प्रॉब्लम है इसका। अभी हम आप लोग को ये हीटर का हमें वायर जो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है, डिस्कनेक्ट करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा हीटर सही है कि खराब है या शॉर्ट क्यों हुआ है। इसको हम चेक करने के लिए वापस में इसको हम कंटिन्यूटी पर लगाएंगे, कंटिन्यूटी पर हीटर को चेक करते थे। आप देख सकते हैं हमने चेक किया यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है हीटर का शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी खराब हीटर जो है खराब हो गया है जिसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था, ये पूरा देख सकते हैं शॉर्ट हुआ है। तो हमने चेक कर लिया फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद हमने फ्यूज लेकर के आया, देख सकते हैं सेम मॉडल का साइज जो है सेम का है लेकिन जो है कंपनी अलग है। ये हमारा जो है पहले 7 एम्पियर का था तो हम हमारा देख सकते हैं सेम जो है 7 एम्पियर का ही हम डाल रहे हैं, या तो 6 एम्पियर का थोड़ा सा कम ज़्यादा प्लस माइनस कर सकते हैं डाल सकते हैं कंट्रोल का है। तो हमने जो सेम साइज का इसमें ब्रश सेम साइज का ही आएगा जिस तरह से हम साइज का उसमें डाल करके इसको वापस इस तरह से अच्छी तरह से रिटाइट कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह से रिटाइट कर देते हैं तो आपके पास भी किसी रहता है तो नॉर्मल या तो शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं या आपके पास मार्केट में लेकर के सेम साइज का डाल करके चेक कर सकते हैं। तो हमने जो है इसमें हमें कन्फर्म हो गया था हीटर का प्रॉब्लम था, हीटर शॉर्ट था, फ्यूज हमारा खराब हुआ, फ्यूज हमने अभी चेंज किया। चेंज करने के बाद वापस हम यहाँ पर चालू करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पावर इसका जो है यहाँ से सब कुछ रेडी है, हमारा कनेक्शन रेडी है तो वापस हम यहाँ पर चालू करते हैं। ब्रेकर हमने अभी चालू कर दिया है, चालू करने के वापस हम आप लोगों को टेस्टर से चेक करके दिखाते हैं पावर हमारा आए कि नहीं है। सॉरी ये पहले हमने लास्ट टाइम बाद में जाकर लेकर के आया है, पहले हमारे पास ये नहीं था इसलिए नहीं दिखा पाए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पावर आ रहा है लेकिन हम दोनों में चेक कर रहे हैं पूरा हमारा आ रहा है लेकिन हम आप लोग फिर वापस मीटर में दिखा देते हैं तो आप लोग शायद नहीं विश्वास करेंगे। ये देखिए हमारे पास मोटर है किस तरह से पहले भी इस तरह से हम बॉडी में लगा करके फेस जो आर वाले को हम चेक कर रहे थे हमें पावर नहीं शो कर रहा था, अभी देखिए हमारे पास 24 वोल्टेज शो कर रहा है ये फ्यूज हमने डाला तो पहले इस तरह से नहीं शो, पहले भी हमने यहाँ से बॉडी पे लगा करके चेक किया क्योंकि बॉडी में लगाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर का एक पावर जो है न्यूट्रल जो हमारा बॉडी में दिया रहता है और फेस हमारा सर्किट में पूरा घूमता है पावर कंट्रोल में जाता है।
है, क्योंकि 24 वोल्ट है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए बॉडी में से हम बॉडी में लगाएंगे वापस यहाँ से चेक कर सकते हैं ये मॉडल में। यहाँ देख सकते हैं हमारे जो अभी हनीवाल थर्मोस्टेट को यहाँ से पावर जा रहा है, रिटर्न भी हमारा जो है अब वापस आ रहा है, ब्लोअर हमारा ऑन हो चुका है। वापस हम आप लोग को ट्रांसफार्मर के पास हम चेक करके दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर हमने चेक किया कितना वोल्टेज आ रहा है, ट्रांसफार्मर देख सकते हैं यहाँ भी हमारा जो 220 वोल्टेज आ रहा है ट्रांसफार्मर के लिए, इसका मतलब हमारा सही है, वर्क हो गया। यहाँ पर जैसे कंट्रोल वगैरह भी हमारा सब कुछ ऑन हो गया, ये चल रहा है, इसका सही है। तो अभी हमारा जो है 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर में इन हो रहा है और आउट भी हो रहा है, इसका मतलब हमारा सही है, सब कुछ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से कभी भी हम कंट्रोल वगैरह रहता है कुछ इस तरह से हम चेक करते हैं, हमारा नई स्टैंड बाय हो गया, नहीं चल रहा यानी पावर है, फिर भी हमारा जो है थर्मोस्टेट में पावर नहीं जा रहा है या आ नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम और हो सकता रहेगा, तो इस तरह से हम चेक एक एक जो है हम चेक करते हैं। आपको ये वीडियो में क्या चीज़ सीखने को मिला है, क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ खराब लगा है, आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करें, और इस वीडियो का हमें फीडबैक जरूर दें जिससे और भी इस तरह से हम अच्छी तरह से वीडियो बना पाएं आप लोग के हेल्प के लिए। तो हम आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, आप भी नए लोगों का हेल्प जरूर करें। आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके दे सके। आप देख सकते हैं हमारे इस एसआर सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा होम इक्विपमेंट जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, मोटर, हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको ITI डिप्लोमा या कुछ भी आप कोर्सेस कर रहे हैं, आप नए फील्ड में हैं, तो ये वीडियो है, ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है। आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरेटिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है, वो हिसाब से हम आप लोगों को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, आप जो है नए टेक्नीशियन नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें, ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जरूर सीखने को मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।